हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अज फ्राइडे आप छुट्टी है क्योंकि ईस्टर डे आ रहा है, वह करके आप स्टैट की छुट्टी हो गई सी। अज आप प्लान बनाया जी समिट लेक जाने का। अज फर्स्ट टाइम है जो मैं इन्नी लोंग ड्राइव पर गड्डी खुद ड्राइव करनी है। सो देने किदा का रहा सफ़र। सो अज की वीडियो मैं तुम दिखाऊंगी समिट लेक जो कि साढ़े शहर तो थोड़ी ही दूर पर है। सो लैट्स गो। सो हाँ जी गाइज, आप पहुँच चुके हैं जी समिट लेक। बहुत सोहनी लेक आ, मैं फ्रोजन ही पसंद आ। जिन्ने वारी भी आए हैं इतने उदो फ्रोजन ही होंगी आ। इस बार ट्राई करा कि समर में भी आन की जो ये पिघली हुई देखा कि सोहनी लगती है। सो तुम मेरे पिछे व्यू चैक करो कि सोहना। कई काले लोग पहले ही पहुँच गए। एक चीज़ जी हैगी जो मैं शायद कदे भी नहीं सीख सकती, वह हैगी कि सिचुएशन के हिसाब न या वैदर के हिसाब न शूज़ किमें पाने। असी लास्ट टाइम टी पॉट माउंटेन गए सी, उत्थे मैं शूज़ पा के गई सी जेड़े बिल्कुल फ्लैट होंगे आ। वो एक हाइकिंग वाला एरिया सीगा, तो उत्थे हाइकिंग शूज़ नहीं पा के गई मैं। तो अज हुण जो पता सी भी समिट लेक फ्रोजन आ, तो अज मैं जमा जेड़े मेरे सब तो वध स्लिपरी शूज़ आ मैं वो पाए आ। दिमाग च निकल जाती है गल कि कितने किमें चलने हैं, तो उत्थे चीज़ किदां दी होगी। तो हुण मैं वेखदी हाँ कि ध्यान नाल चलूंगी। बहुत ही स्लिपरी शूज पाए अज मैं। ये देखो मैनू तो इत्थे चलना ही बहुत मुश्किल लग रहा है। लेक तो पता नहीं की बनना, बट मैं तुहानू व्यू चैक करवानी आ। आई एम श्योर समर च बहुत सोहनी लगती होगी ये लेक, कोई डाउट नहीं इस चीज़ च। देखो एवं लगता किसी होर प्लैनेट पर आ गए होंने। फ्रोजन चीज़ की भी अपनी एक ब्यूटी है। बाकी लेक्स तो कैनेडा च बहुत ही ज़्यादा, जिन्नी मर्जी तुम देख सकते हो। जो असी लास्ट टाइम आए थे उदो असी लेक के उपर नहीं चले सी, बट अज चल के देखा क्योंकि काफ़ी थिक है आइस। हाँ जी, छोटी जी अपडेट देनी सी, जिहड़ा मुहूर्त आप हर जगह जाके करना हुंदा, हरेक विंटर च करना हुंदा, वह भी आप इत्थे करता। मैं तुहानू दस्सा सी मेरे शूज़ बहुत स्लिपरी पाए हुए आ। मैं थोड़े स्टैप ही चली सी ते मैं डिग पी, ज़्यादा बुरा नहीं डिगी, संभल गई सी क्योंकि मैंने पता सी कि मैं डिगूंगी तो जरूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी शूज़ आ। बाकी बहुत सोहना लग रहा, थोड़ी बहुत फोटोज लईयां, तो बाकी हुण असीं इंजॉय कर रहे हैं थोड़ा टाइम। तो जिथे भी आप जाने अपन थोड़ा बहुत इंजॉय करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत नेचर नू एक्सपीरियंस करना चाहिए क्योंकि यही थोड़े बहुते पल होंगे अपने को। जो आप अपने टेंशनस भुल के नेचर के क्लोज नेचर के क्लोज जाने, तो थोड़ा बहुत रिलैक्स होंगे। हाँ जी, धुप बहुत ज़्यादा पै रही है इतने, तां करके मैं अपने ग्लासिस पा लिया, तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी आ। मैं बार बार अगे जाने डर लग रहा, बट इतने एक चीज़ चंगी है कि इतने लोगों ने आदि गड्डिया वगैरह ड्राइव की हुई जो इतने बहुत ज़्यादा स्नो सी, तो वो करके गड्डिया के टायर के निशान बने हुए जिन्हों के उपर मैं चल रही हूँ, तो वह चीज़ स्लिपरी घट आ। तो मैं तुम दिखाई जी, थोड़ा मेरे शूज़ देख रहे बहुत ज़्यादा स्लिपरी आ। तो जे थोड़ा आसे पासे देख रहा हो टायर के निशान बने हुए आ, मतलब इतने लोगों ने कि बोलते उस चीज़ में कि गड्डी वगैरह ड्रिफ्ट करनी कहते, आई आई डोंट नो। तो गड्डिया गुड्डिया घुमाते इतने जोड़े है गोरे पंगे लेंदे आ। बहुत सोहना व्यू आ, जो तुम प्रिंस जॉर्ज या वे आसे पासे रहने हो बीसी च कितने भी, तो तुम इतने आ सकते हो देख। ज़्यादा दूर नहीं हैगी मेरे शहर तो, शायद पौने के घंटे की घंटे की दूरी पर ही आ। तो बहुत सोहनी लेक आ, आ टाइम से मैंने देखनी सब तो वधिया लगती है। लास्ट टाइम पता नहीं असं क्यों मुड़ गए, क्यों नहीं आए इतने, तो पर हुण मैंने वधिया लगता। लास्ट टाइम असं दूरों देख के वापस चले गए सीगे। हाँ जी गाइज, मैं इतों मैनू स्नो पट्टन का ठेका मिला समिट लेक का, इतों मैं शुरू करती है, तो बस थोड़ी जी है इन्नी की पट्टनी है। तो करके पहुंच गए तो हथन तक सारी लेक कवर हो जाएगी हौली हौली।
हाँ जी गाइस, हुण असीं चलें अपने घर वापस। बहुत टाइम हो गया सानू इत्थे घूमदे फिरदे नू, मे बी 2-3 घंटे हो चले आ। तो असीं इत्थे बैठे इंजॉय कीता, वॉक कीती फ्रोजन लेक ते। तो 2-3 सेफ्टी प्रीकॉशनस जिहड़ी मैं तुहाडे नाल शेयर करनी आ। पहली तो यही आ भी जदों भी तुसीं किसी फ्रोजन लेक जां कोई भी लेक नू घूमन जाने हो, कल्ले ना जाओ, अपने 1 या 2 फ्रेंड्स दे नाल जरूर जाओ। तो दूसरी चीज़, अपने थोड़े प्रॉपर कपड़े पाए होने चाहिए आ। फ्रोजन लेक आ तो ऑफकोर्स ठंड होगी, कोई कोट वगैरह अपना वधिया तुसीं पा के जाना। तो शूज़ नॉन स्लिपरी ट्राई करो कि नॉन स्लिपरी पाए होण। तो बाकी ज़्यादा दूर नहीं जाना क्योंकि इहो जिहे सुन्ने एरियाज़ दे विच बीयर हो सकदे आ। हुणे मैनूं बहुत थावां ते बीयर दीआं पैड़ां दिखीआं, दैट मीनस इत्थे बीयर जरूर हैगे आ, ते डेंजरस हो सकदे आ बीयर थोड़े लई। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਸ ਹੈਪ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। हाँ जी, ये जी अपनी अज की वीडियो। आई होप थोनू समिट लेक वधिया लगी होगी, तो थोनू मेरा ब्लॉग भी वधिया लग्या होगा। जे थोनू ये ब्लॉग वधिया लग्या तो मैनू कमेंट करके जरूर दस्यो, तो मैं अगे तो भी इदा के ब्लॉग बनाने की ट्राई करूँगी। एक चीज़ मैं होर मैनशन करना भुल गई, यह आ भी फ्रोजन लेक कई कई थावां तो जिहड़ी हैगी आ पिघली हो सकती है, तो तुसीं उहदे विच भी धस सकदे हो। तो यह चीज़ का ध्यान रखना, जे थोनू लगता भी लेक चलन दे लायक हैगी आ तां ही तुसीं उहदे उपर चलना, अदरवाइज तुसीं बाहर ही बैठना। तो यह लेक काफ़ी ज़्यादा फ्रोजन सीगी, तो ये ये उपर आसानी ना वॉक हो सकती सी, इसलिए असी वॉक करन दा रिस्क लिया। सो तुसी इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। तो मैं थोनू मिलदी अपनी अगली वीडियो दे विच, तुसी सारे अपना ध्यान रखियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।